गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम गॉज़ लॉ की कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे पास बच गई थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम एक एप्लीकेशन गॉज़ लॉ की पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। वैसा ही कुछ आज हम करेंगे और वैसे ही गॉज़ लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले एक बार गॉज़ लॉ को हम दोबारा से रिकॉल कर ले कि गॉज़ लॉ क्या था। गॉज़ लॉ में हमने पढ़ा था, गॉज़ लॉ जो हमें फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है, इसमें हमने पढ़ा था फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉज़ लॉ की एक्सप्रेशन थी। अब हम इसी गॉज़ लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे? यहां हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट है। एक प्लेन सीट है, जैसे आपका एक कागज होता है, एक पेपर होता है, वैसे ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे है, ऐसे। सो ये जो है ये एक आपकी प्लेन सीट है, बहुत थिन है, इसकी थिकनेस जीरो के बराबर है। तो ऐसे ही आपके पास एक प्लेन सीट है जिसकी थिकनेस बहुत कम, तो थिन प्लेन सीट हमने उसको बोला। लेकिन इसका साइज फाइनाइट है, इस प्लेन सीट का साइज इनफाइनाइट हमने माना है। इनफाइनाइट इसलिए माना ताकि सिमिट्री वहां हमें सिमिट्री मिल सके। सिमिट्री के लिए, जैसे कि आपने जो एक लाइन चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वहां भी आपने उस वायर की लेंथ इनफाइनाइट ली थी, वैसे ही यहां भी हम इस प्लेन सीट की जो साइज है वो इनफाइनाइट लेंगे। इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट, इसके कारण निकालना चाहते हैं। सो ये हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट जो हमने ड्रॉ कर रखी है, और इस पे पूरी प्लेन सीट की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, तो कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। वो कितनी है? लेट्स कंसीडर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एंड ड्यू टू दिस चार्ज वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। सो एंड ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज और सरफेस पे चार्ज है, लेकिन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। एंड ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट पी is at a perpendicular distance r। इस प्लेन सीट से r डिस्टेंस पे है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यहां पे ये प्लेन सीट कुछ ऐसे रखी हुई है, इस तरह से। सो इस प्लेन सीट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से ये जो डिस्टेंस आई, मान लो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो इस पॉइंट और इस प्लेन सीट के बीच ये जो डिस्टेंस आई, जितना चौक आपको दिख रहा है,
ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने माना पी, और इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ध्यान रखना कि ये ऐसे है, ये थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट, और यहां से हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट माना पी, इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉजिटिव चार्ज के कारण एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलरली आएगी इस थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन सरफेस के। कैसे होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से फिर से इसको आप थोड़ा विजुलाइज करिए, बोर्ड पे हम इसको ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। यहां ये है ऐसे, यहां हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को उठा लीजिए, कहीं से भी, यहां से उठा लीजिए। जब आप यहां से पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो मान लो यहां वो पॉइंट है, इस पॉइंट और इसके बीच एक डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट पे यहां जो चार्ज था, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगी, कुछ इस कंडीशन में जाएगी ऐसे। और यहां जो चार्ज होगा बिल्कुल इससे अपोजिट, उसके कारण कुछ ऐसे जाएगी। कहने का मतलब, अगर इस प्लस के कारण देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ये, और इस प्लस के कारण देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ये। पीछे मैं नहीं मिला रहा हूं, वो आप वैसे विजुलाइज कर लीजिए। अब इनको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो ऊपर वाले का एक कंपोनेंट तो आएगा ये, और एक कंपोनेंट आएगा ये। सेम नीचे वाले के लिए, एक कंपोनेंट तो ये, एक कंपोनेंट ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट मिलेगा और इसकी डायरेक्शन ये है। दोबारा से आप देखिए, प्लेन सीट ऐसे थी, डायरेक्शन ऐसे आई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के? इसीलिए हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन सरफेस के यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हमें डायरेक्शन मिल गई है। अब हम यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। ये पॉइंट पी था जिसकी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक आर थी। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें गोजियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गोजियन सरफेस इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि सिमिट्री हमें मिल सके। उस गोजियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो सेम आएगा। आप कहीं से भी देखिए, किसी भी तरफ से देखिए उस सरफेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। तो सिमिट्री आ गई, और गोजियन जो गोजला था वो सिमिट्री केसेस में ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराता है मेनली। तो यहां पे सबसे पहले आप एक गोजियन सरफेस ड्रॉ करिए। हमने यहां एक गोजियन सरफेस ड्रॉ की, सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस ड्रॉ की, और उस सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस की जो डिस्टेंस या जो लेंथ है वो 2R है। कुछ इस तरह से हमने ये सिलेंड्रिकल
गोजियन सरफेस ड्रॉ की। यहां से इसकी लेंथ आर हो गई और यहां से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हमने इसको माना, इसकी भी लेंथ आर हो गई। तो जो गोजियन सरफेस थी, उस गोजियन सरफेस की जो टोटल लेंथ है, जो साइज है, वो दो आर है। सो नाउ वी कंसीडर वी कंसिडर ए गोजियन और वी कंसिडर ए सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्री। और इस गोजियन सरफेस की लेंथ है टू आर। अब इस गोजियन सरफेस में तीन सरफेसेस हैं। इस सिलेंड्रिकल जो गोजियन सरफेस हमने मानी, इसमें तीन सरफेस है। दो तो ये आपकी सर्कुलर सरफेस, या इसको फ्लैट सरफेस का नाम दे दो, ये और ये, और एक ये कर्ड सरफेस, कुछ इस तरह से। ये चारों तरफ की जो सरफेस है, ये कर्ड सरफेस। तो यहां पे जब आप गोजला अप्लाई करेंगे, तो गोजला हमारे पास होता है, वी हैव क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले आप यहां डॉट को हटाएंगे, तो डॉट को जब आप हटाएंगे तो ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड दिस सर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एरिया यूनिट वेक्टर था उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है उनमें एंगल थीटा है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी वो तो हमें पता चल ही गया था। इस पॉइंट के लिए अगर इस तरफ आई है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के लिए किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी। आप करके भी देख सकते हो, जब इस तरफ मानोगे तो यहां भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेनली हम ये कहें कि एक्स में आई है, प्लस एक्स माइनस एक्स अलग बात है, लेकिन है तो एक्स में। तो यूनिट वेक्टर अगर एक्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में, तो थिट्टा जीरो, थिट्टा जीरो तो कोस जीरो वन, तो यहां पे ये क्वांटिटी हमारे पास नॉन जीरो बनेगी। लेकिन अगर कहीं थिट्टा 90 हो, थीटा 90 मतलब एरिया यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90, तो कोस 90 जीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो बनेगी। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो थीटा जीरो और 90 कब होगा? इस सरफेस का जब यूनिट वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा ये, और इस सरफेस का जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा ये। आउटवर्ड नॉर्मल, सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, हमेशा इसके लिए जो आप एरिया यूनिट वेक्टर लेंगे वो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में लेंगे। तो इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल ये था, इसके लिए ये था। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री, तो यहां जो ये टर्म आएगी वो नॉन जीरो। इसका नाम वन दे दो, इसका नाम टू, और ये जो सरफेस बची इसका नाम थ्री। फॉर सरफेस वन एंड टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, वाइल फॉर सरफेस थ्री थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस केस में ये जो टर्म बनेगी ये जीरो आएगी थर्ड वाले केस में, थर्ड सरफेस से। तो सिर्फ इन दो सरफेसेस की हम बात करेंगे। और ये जो गोजियन सरफेस हमने चूज की, इस गोजियन सरफेस का ये जो एरिया है वो एरिया मान लो डी ए, डी ए एरिया है, यहां भी एरिया मान लो डी ए। तो अब इन दोनों सरफेसेस के कारण आप ये टर्म निकालिए, फोर सरफेस वन हमें मिलेगा
डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अब यहां पे आप देखिए, ये जो टर्म आएगी इस तरफ वाली, क्या मैं इसको नाम फ्लक्स का नाम नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पे फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो यहां पे हम पहले इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालते हैं, ई डी एस, और इसका नाम दे दिया फाई वन फर्स्ट सरफेस से। जब यहां से आप फाई वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो एरिया डी एस था, यहां से आप फाई वन इक्वल्स टू ई, तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। इसी कारण से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ताकि सिमेट्री होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली इस इंटीग्रेशन से बाहर आए, तो फिर इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इंटीग्रेशन डी एस, ये बहुत स्मॉल एरिया था, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया हमने डी ए बना, या ए मान लो ये एरिया, ए मान लो आप, यहां भी एरिया ए है, यहां भी ए, तो टोटल एरिया बनेगा आपके पास ए। सो फाइव वन इक्वल्स टू ई ए, दिस इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस फर्स्ट। अगर सेकंड सरफेस की बात करें तो सेकंड सरफेस में क्या आएगा वो आप देखिए, सेकंड सरफेस से जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स की वैल्यू होगी फॉर सरफेस टू फाई टू ई डी एस, और कोस जीरो डिग्री तो वन बन गया, तो यहां बनेगा ई डी एस। अब इस सरफेस में भी एंगल जीरो ही था, तो यहां पे कोस जीरो वन बन गया, ई को फिर से बाहर लिखिए, तो यहां फाई टू ई डी एस, और डी एस स्मॉल टोटल करेंगे तो एरिया ए लिख रखा है। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, इस सरफेस का जो, इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा वही तो मानना है, और उस एरिया, उस सरफेस का एरिया है ए, तो ये बनेगा ई ए। फाइव टू मिल गया, फाइव वन मिल गया, टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस फाइव इक्वल्स टू फाइव वन प्लस फाइव टू इक्वल्स टू, फाइव वन की वैल्यू ई ए, फाइव टू की वैल्यू ई ए, हमें मिलेगा टू ई ए। फ्लक्स हमारे पास आ गया है ई ए। दूसरा फ्लक्स का वैल्यू हमें यह भी पता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम इस फ्लक्स को यह भी लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास आ गया है ई ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां हमें सिर्फ Q इनक्लोज की वैल्यू निकालने की जरूरत है, तो E हमारे पास आ जाएगा। Q इनक्लोज कितना है वो हमें देखना है। चार्ज इनक्लोज इन एरिया A, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका सर्कुलर एरिया है A, तो यहां भी सर्कुलर एरिया कितना बनेगा ए, तो इस सर्कुलर एरिया में कितना चार्ज आया वो चार्ज हम अगर लिख दें, क्यू इनक्लोज तो वही था, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस वो हम निकाल दें, तो हमारे पास टोटल जो क्यू इनक्लोज था वो आ गया। कैसे आएगा आप देखिए, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा, एक यूनिट एरिया में सिग्मा। यहां एरिया कितना गॉसियन सरफेस का ए,
तो इस ए एरिया में कितना चार्ज, चार्ज इन एरिया ए वो आएगा सिग्मा इंटू ए एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज। बस ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, हमें मिलेगा ई ए और यहां पे फाई ए टू आएगा, टू ई ए, टू ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है। किया क्या हमने इसमें, सिर्फ एक तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड टर्म को सोल्व कराया और राइट हैंड साइड को सोल्व कराया। ये बातें जो सब आप लिख ही देंगे जो आपको दिख रहा है, यहां से हमने मेन काम किया कि एक तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना होता है, एक राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में आपको क्यू इनक्लोज की वैल्यू लिखनी पड़ेगी केवल, और ई डॉट डी एस, पहले तो डॉट लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें करनी है, एक तो हमें डॉट को हटाना है तो कोस थिट्टा, थिट्टा कितना बनेगा वो लिखना पड़ा, दूसरा जो टोटल एरिया बनेगा इंटीग्रेशन से वो कितना आएगा वो लिखना है। बस ये तीन चीजें आपको यहां करनी है, उसके बाद आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोजला से निकाल पाएंगे। और यही तीन चीजें आपको जब भी गोजला अप्लाई करेंगे, हर कंडीशन में यही चीजें आपको अप्लाई करनी है, तो आप गोजला को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और इसमें ये चीज भी आप ध्यान रखिए कि यहां पे जो आपने राइट हैंड साइड में क्यू इनक्लोज की वैल्यू लिखी, वो क्यू इनक्लोज तो केवल इस गोजियन सरफेस के अंदर था उसकी लिखी है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है। यहां राइट हैंड साइड से ई तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो चार्ज की वैल्यू लिखी वो जो केवल इसमें इनक्लोज चार्ज था उसकी वैल्यू आपने लिखनी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जब आप सोल्व करते जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और ये जितना भी चार्ज है इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पे, उस टोटल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आया। लेकिन यहां पे जो क्यू लिखा था वो कौन सा था, वो तो केवल इसके अंदर था वो हमने लिखा था। यही चीज हम बताने की इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्यू इनक्लोज है केवल वो तो ये लिखा था, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो टोटल चार्ज के कारण मिला। ये भी उस गोजला की इंपॉर्टेंस है जिसमें हमने कल कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, अब इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। शायद कल तीन पॉइंट लिखवाए थे, तो फोर्थ पॉइंट ये है दैट फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट साइड वी पुट ओनली इनक्लोज चार्ज, ओनली इनक्लोज चार्ज इन गोजियन सरफेस। जो गोजियन सरफेस में चार्ज था, चार्ज की तो केवल वही वैल्यू हम लिखेंगे इन गोजियन सरफेस, बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वी गेट वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज। और यही आपने यहां भी देखा है, तो ये भी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, गोजला और कुलाम्स लॉ में मेन जो पॉइंट है, जो मेन जो लॉ है आपका, वो लॉ हम कौन सा बोलेंगे, क्या गोजला और कुलाम्स लॉ दोनों ही है या दोनों में से कोई एक है। गोजला और कुलाम लॉ में से जो फंडामेंटल लॉ है वो फंडामेंटल लॉ आपका गोजला बनेगा,
क्योंकि हम गोजला से कुलामला को ड्राइव करा सकते हैं। सो गोजला इज, अगर आपसे पूछ ले कि ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस गोजला है या कुलामसला, तो आप बोलेंगे गोजला इज मोर फंडामेंटल, क्योंकि गोजला से हम कुलामसला को भी ड्राइव कर सकते हैं। ये थे इसके जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नहीं लिखवाए थे, ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये थी आपकी गोजला की एक अप्लीकेशन जिसमें हमने थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप साथ में ये किया करो कि इनको एक बार वीडियो देखने के बाद तुरंत करने की कोशिश किया करो और देखिए कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है। सो इसको पढ़िए आप। थैंक यू।